आज दुनिया में महान बनने की चाहत तो हर एक में होती है, पर पहले इंसान बनना अक्सर लोग भूल जाते हैं। आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि इंसानियत को शर्मसार करके रख देगी। जेठ की तपती दोपहर, भयानक लू चल रही थी। बाजार सुनसान था। बाजार के बीचों बीच कपड़े की बड़ी सी दुकान पर सेठ मंगतूराम गद्दी पर बैठ करके झपकी ले रहे थे। भरी दोपहरी में ग्राहक कोई था नहीं और करते भी क्या। उसी समय एक गरीब किसान बाजार से निकला, नंगे पांव, फटी धोती, गंदी बनियान, सिर पर अंगूछा। उस किसान का गर्मी से एकदम बुरा हाल था, भयानक प्यासा था वो, पसीने से तर था किंतु हलक उसका सूखे जा रहा था। प्यासे किसान ने सेठ जी की दुकान के एक कोने में रखा हुआ पानी का घड़ा देखा। घड़े के पास एक कलछी और एक ग्लास टंगे हुए थे। पानी दिख जाए तो प्यास और बढ़ी जाती है। किसान दुकान के सामने आकर ठिठका और बड़े संकोच के साथ कहा, सेठ जी पाँव लागे। उसकी आवाज सुनकर सेठ जी एकदम चौंक गए। उन्होंने आंखें खोलकर सिर उठाया। उन्हें लगा कि कोई ग्राहक आया है। मुंह में मिश्री घोलते हुए बोले, कहो भाई क्या चाहिए। प्यासा किसान बोला, सेठ जी बड़ी प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दीजिए। सेठ जी के मुंह की मिश्री गायब हो गई, उसकी जगह करेला आ गया। झुंझलाकर बोले, बाहर पटरे पर बैठ जाओ, अभी हमारा आदमी आएगा, वो पानी दे देगा। इतना कहकर सेठ जी फिर से कूलर की हवा में बैठ करके झपकियां लेने लग गए। प्यासा किसान दुकान के बाहर पटरे पर बैठ गया। लू के थपेड़े उसका पसीना सुखा रहे थे। 10 मिनट उसको इसी तरीके से धूप में बैठे बीत गए। किसान फिर बोला, सेठ जी बहुत प्यास लगी है, पानी पिला दीजिए। सेठ जी झुंझलाए, कहा ना आदमी आ रहा है, वो पिलाएगा। किसान सिर झुकाकर फिर से बैठ गया। 10 मिनट और बीत गए। प्यास के कारण उसका प्राण कंठ में आ रहा था। सेठ जी, किसान इतना ही बोल पाया था कि सेठ जी गुर्राए, कहा ना कि आदमी आएगा तब वही पानी पिलाएगा। प्यासा किसान हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाइए और कृपया करके मुझे पानी पिला दीजिए। तो ये थी आज की कहानी। ऐसी गरीबी और अमीरी के बीच फर्क और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली कई घटनाएं आज भी हमारे देश में होती हैं। तो आई होप आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी, और कहानी अच्छी लगी हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दूसरों तक, सब्सक्राइब करिए। जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो मेरे चैनल का नाम है वो है यूनिवर्सल जूही। इंसानियत के विषय में आपकी क्या राय है ये आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई इनपुट, कोई सजेशन, कोई सुझाव अगर आपको देना हो तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।